हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा फेशियल एट होम गाइस। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि एलोवेरा जेल कैसे बनता है घर पे ही। सो गाइस, इसमें मैं एलोवेरा ले रही हूँ प्लांट वाला लेके हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसको पीस पीस आपको कट कर लेना है। तो ये जो काटा काटा होता है ना साइड वाला पार्ट, उसको भी आपको काट लेना है। ना तो आपको क्या करना है, एक तो चम्मच लेना है एंड इससे जेल निकाल लेना है। एक बार ही जेल निकल गया तो क्या करना, आप वो जो एलोवेरा था उसको आपको मिक्सी में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना अच्छी तरह से। देखो लिक्विड बन गया। सो गाइस, फेशियल में ना 6 स्टेप्स होता है एंड ये 6 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, इसमें जो पहला स्टेप है वो हम लोग का क्लिंजिंग है। तो क्लिंजिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के साथ मैं यहाँ पे मिक्स करने वाली हूँ रॉ मिल्क। रॉ मिल्क बहुत इफेक्टिव होता है हम लोग की स्किन का क्लीन करने के लिए। एंड एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके हम लोग को ये क्लिंजिंग बना लेना है। एंड अब इसको हम लोग को अप्लाई कर लेना है। हमें फेस पे इसे लगा के मसाज कर लेना है जिससे फेस की सारी डर्ट निकल जाए और फेस आपका क्लीन ग्लोइंग हो जाएगा। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद फेस को प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, कच्चा दूध ना फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, बिकॉज कच्चा दूध ना आपके कलर को भी इन्हांस करता है और काफ़ी अच्छा माना जाता है कच्चा दूध को फेस पे लगाने के लिए। आप चाहो तो अपनी मम्मी दादी से भी पूछ सकते हो कच्चा दूध कितना इफेक्टिव होता है स्किन के लिए। और इस फेशियल का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा हेल्प करता है पिंपल्स डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में और ये एक बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल है जो हमारे स्किन से सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देता है गाइस। सो फ्रेंड्स, आपको इसको लगा के 2 मिनट तक, 2 या फिर 1 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से मसाज कर लेना, ठीक है। एक बार जब ये मसाज हो जाए आपके फेस पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्लेन वाटर से अपना फेस को वॉश कर लेना है। तो गाइस, फेशियल का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग बनाने के लिए हम लोग को चाहिए यहाँ पे एलोवेरा जेल, फिर हम लोग को चाहिए राइस फ्लावर। आप मार्केट से भी राइस फ्लावर ले सकते हो, अगर घर पे बना सकते हो तो आप घर पे भी बना लेना। फिर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं रोज़ वाटर एंड इसको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। एंड उसके बाद अपने फेस पे हम लोग को अप्लाई कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है गाइस। यहाँ पे आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ इसलिए आपको फास्ट लग रहा होगा, बट आपको बहुत ही हल्के हाथ से स्क्रबिंग करना है। सो फ्रेंड्स, जो राइस फ्लावर है ना ये भी हम लोग के स्किन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करता है। ये हमारे स्किन से जितने भी डर्ट होते हैं, ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, उन सबको रिमूव करने में हेल्प करता है। और ये हम लोग के स्किन को ब्राइट बनाता है और हेल्दी भी रखता है। और साथ ही में अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है गाइस तो उसको भी ये दूर करने में हेल्प करता है। एक बार जब आपका स्क्रबिंग हो गया है तो आपको प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लेना है। ये सारे टाइप्स ऑफ स्किन के लिए बेनिफिशियल है। फेशियल का जो थर्ड स्टेप है वो है स्टीमिंग। स्टीमिंग हम लोग के फेस के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी आपका ओपन पोर्स होता है वो क्लोज हो जाता है एंड बहुत इफेक्टिव रहता है हम लोग के स्किन को। ये भी स्टीमिंग लेने से भी हम लोग का स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग होता है गाइस। अगर आपके पास स्टीमिंग मशीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो ना, मेरी तरह आप एक हैंकी को गर्म पानी में डुबो के उसके बाद अपने फेस पे आप स्टीम ले सकते हो। अगर नहीं तो फिर जैसे कि एक बर्तन ले लेना है, उसमें गर्म पानी कर लेना है एंड आपके फेस को आपको ढक लेना है। ढकने के बाद आपको स्टीम ले लेना है, ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप मेरी तरह से ले सकते हो। फेशियल का जो फोर्थ स्टेप होता है गाइज वो है मसाजिंग। और मसाजिंग बनाने के लिए हम लोग को चाहिए यहाँ पे एलोवेरा जेल। इसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देना है ग्लिसरीन का एंड फिर आपको इसको मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है गाइस। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने ग्लिसरीन ऐड किया है जो कि एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। अगर गाइस आपका ना स्किन बहुत ही ज़्यादा ना ऑयली है तो ना आप ग्लिसरीन को ऐड मत कीजिएगा गाइस। ग्लिसरीन के जगह ना आप विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। एक बार ही जब आपने इसको लगा लिया अपने फेस पे, आपको अच्छी तरह से मसाज कर लेना है गाइस। अपने लिप्स वगैरह पे आपको मसाज कर लेना है। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ इसलिए आपको फास्ट दिखता है, बट आपको एकदम स्लोली अच्छी तरह से आपको मसाज कर लेना है, ठीक है।
एक बार ही जब आपने मसाज कर लिया है तो आपको एक वेट क्लॉथ लेना है, वेट क्लॉथ की हेल्प से आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो फेशियल है ना वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए परफेक्ट है, एकदम ही परफेक्ट है, और इसको ना मेल एंड फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फेशियल का जो फिफ्थ स्टेप है वो है फेस पैक या फिर फेस मास्क। इसके लिए हम लोग को चाहिए यहाँ पे एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल एक की इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है इस फेशियल का। तो हम लोग ऐड करने वाले हैं यहाँ पे एलोवेरा जेल, और इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं हल्दी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स 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 कर लेना है, ठीक है। जब ये एक बार मिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हो मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक पर ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तब हम लोग को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग का फेस पैक बनके तैयार हो चुका है, और अब हम लोग अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हल्दी हमारे स्किन को इवन बनाने में हेल्प करता है, और हमारे स्किन में नेचुरल ग्लो प्रोवाइड भी करता है। अगर आपकी स्किन ना ड्राई है तो आप ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी मिक्स करके यहाँ पे लगा सकते हो आप। और अगर आपकी स्किन ऑयली है या मेरे जैसे कॉम्बिनेशन स्किन है गाइस, तो आप इस फेस पैक को ट्राई कर सकते हैं। जब ये एक बार आपका फेस पैक लग जाएगा तो आपको इसको अप्लाई करके 10 मिनट्स तक रखना है, एंड 10 मिनट्स के बाद आपको इसको वॉश कर लेना है। सो गाइज, हम लोग का जो लास्ट स्टेप है इस फेशियल का है वो है टोनिंग। गाइज, टोनर हम लोग को हमेशा अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे मैं रोज वाटर ले रही हूँ, आप चाहो तो आपके पास जो भी टोनर है आप उसी को अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड शेयर भी जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ओके, तो सी माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, एंड डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसको ट्राई करके ही कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हो। तो बाय बाय, सी माय नेक्स्ट वीडियो।